जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली में शबे बारात को लेकर प्रशासन ने शांति कमेटी की बैठक आयोजित की। कोरोना वायरस की वजह से पीएम के आह्वान पर इस समय देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इसी के तहत जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली में आज प्रशासन ने आने वाले शबे बारात के त्यौहार के मद्देनजर शांति कमेटी की बैठक आयोजित की, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की गई कि वे शबे बारात के दिन रात के समय कब्रिस्तान में ना जाएं, बल्कि घर पर ही रहकर इबादत करें। जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वे प्रशासन के द्वारा बताए गए सारे सुझाव अमल में लाएंगे तथा उनका पालन करेंगे। आज जो शांति समिति की मीटिंग करी गई है शबे बारात त्यौहार को लेकर, इसमें क्या कहेंगे? ठीक है, शबे बारात एक माने में बुजुर्गों के लिए शराब की अहमियत रखता है। जिस हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको इशारे सवाब किया जाता है, और जब हम देश की खातिर अपने मेन चीज़ जुमे जैसी नमाज और नमाज फर्ज नमाज जैसे हम घर पढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ सवाब है हमारे बड़े बूढ़ों के लिए। तो उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम सोशल डिस्टेंस बना रहे और घर में सब लोग अपनी इबादत करें, घर से इशारे सवाब करें, और शबरा तो कब्रिस्तान में बिल्कुल ना जाए। उन्होंने भी इसी पर जोर दिया है कि भाई देखिए, चूँकि ये कोरोना बहुत कम घातक बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें एक तो दूरियां बनानी है, और आप अपने आवाम से कहें कि भाई वो कब्रिस्तान पर ना जाएं, दूरियां बनाए रखें, घर में सफाई रखें, लोगों से एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, बार बार हाथ जो है सैनिटाइजर से या साबुन वगैरह से धोएं, इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए और उसे हम फॉलो करेंगे। आपने शांति समिति की त्योहारों को मद्देनजर मीटिंग ली है, इसमें आपने क्या लोगों को समझाया, क्या बताया सावधानी रखने के लिए? हम ये मुस्लिम समाज के जो कल त्यौहार है शबे बारात, इसमें लोग अपने पुराने जो इनके मृतक हैं उनकी श्राद्ध करते हैं, याद करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जो चूँकि इस समय पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमने अपील किया है कि अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए आप लोग कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना करें। जो भी कार्य करना अपने घरों में करें, घरों में नमाज पढ़ें, घरों में दीपक जलाएं। कोई भी आदमी कब्रिस्तान की तरफ रुख नहीं करेगा। अगर कोई भूले भटके चला भी गया तो उसके विरुद्ध बहुत ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों ने आश्वासन भी दिया है, मान भी गए हैं। उन्होंने कहा हम लोग साहब मोहल्ले मोहल्ले में भी ये इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि कोई भी आदमी कब्रिस्तान या मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, इसमें आदेश आया हुआ है कि बिना मास्क के अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकलता है तो हम उसके खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई करेंगे, और उसके बाद फिर वो करने के बाद तब फिर उनको उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और फिर वो भविष्य में मास्क लगा के ही लोग सड़क पर निकलेंगे।